नमस्कार, मु प्रभाकर टीचिंग लाइन को आपण को स्वागत जनावु। आम विशेष बा संज्ञा उपरे केतक अध्याय आलोचना कर सारी। प्रथम वीडियो रे आम जातिवाचक संज्ञा, ता परवर्ती सेकेंड पार्ट रे आम समूहवाचक आ व्यक्तिवाचक विषय आलोचना करा जाइछि। आज आम आलोचना करिबा जे वस्तुवाचक विशेष्य बा ताकु आम हिंदी रे द्रव्यवाचक संज्ञा बोली कहि थाउ। तबे द्रव्यवाचक संज्ञा काहाकु कहिबा तार डेफिनेशन जदि केहि आमको पचारे तबे तार डेफिनेशन आम कहि पारिबा, इनसे किसी द्रव्य या पदार्थ का बध होता है जिसे हम केवल माप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। अर्थात जो नाम रू कौनसी द्रव्य किंबा पदार्थ को बुझा जाए जहाँ को आमे केवल मापी पारिबा किंबा ओजन करि पारिबा किंतु गणी पारिबा नहीं। बा जदि आउ टिके ताको आमे अधिक विश्लेषण करी बुझिबा को चेष्टा करिबा तबे देखिबा जे कौनसी पदार्थ को भांगिला परे भी ताहार सर्वनिम्न अंश भी सही मूल रूपर चिह्न था बा तार नाम रो कौनसी परिवर्तन हुए नाही ताहाकु वस्तुवाचक विशेष बोली कहिबा। अर्थात धरा जाऊ पानी, आमे पानी को बेसी नेले भी पानी अल्प नेले भी पानी, से भली धरा जाऊ कागज, ताकु बेसी नेले भी कागज अल्प टिके नेले भी कागज, लुहा बेसी नेले भी लुहा अल्प टिके नेले भी लुहा, सोना बेसी नेले भी सोना बा सुना अल्प टिके नेले भी सुना। तेबे एई नाम गुड़ाकर कौनसी परिवर्तन आसुना किंतु आउ केतेक रहिछि। धरा जाओ आमे जने कहिबा जे गोटे मुदी, से मुदी शब्दटा ताकु जदि आमे टिके भांगिकी नबा तेबे ताकु केही मुदी बोली कहिबो नाही, ताकु से सुना कहिबो बा रूपा मुदी हेतिले रूपा टिए कहिबो। बा सेही भली धरा जाओ गोटे कबाट, से कबाट को जदि आमे टिके भांगिकी नेकी जनकु देखैबा से आमको केबे कबाट कहिबो नाही, ताकु गोटे काठ कहिबो बा जे लुहा कबाट हेतिले लुहा टिके कहिबो बा फाइबर कबाट हेतिले फाइबर टिके कहिबो। तेबे एही भली लक्ष्य करिबो जे जेउ जिनिस बा वस्तु बा पदार्थर तार जदि गोटे क्षुद्र अंश को आमे भांगिला परे तार सेही नामटा को ही बुझा पड़ू अछि तेबे सेटा जीव द्रव्यवाचक संज्ञा बा आमे जेटा को कहुचे जे आमर वस्तुवाचक विशेष अंतर्भुक्त हम। तेबे आमे किछि उदाहरण नबा, धरा जाऊ लोहा सोना चांदी दूध पानी तेल कागज नमक एही सबु शब्द हिंदी शब्द जेवरा मु कहली एगुड़िक सबु आमर द्रव्यवाचक संज्ञार अंतर्भुक्त हम। से भली जदि ताको आमे ओडिया रे कहिबा जे लुहा सुना रूपा दूध पानी तेल कागज लुण एगुड़िक सबु द्रव्यवाचक संज्ञार अंतर्भुक्त हम। तेबे आमको से गोटे कथा को लक्ष्य रखा ही पड़ो जेभल कि तार अति क्षुद्र अंश टीए ने नाम को बजाय रोथ जे रख बही बही जदि आम टे भांग चिरीकी नहीं जावा बही कहे ना ता कागज कहते तेणु ये बहीटी जीव ना द्रव्यवाचक कागजटी जीव। तेरे बर्तमान आम किसी से भली जे वस्तुवाचक बा द्रव्यवाचक आ जातिवाचक आम गोटे तुलना लेखिबा। धरा जाऊ काठ पलंक, काठ पलंक काठ पलंक, एटी लक्ष्य कर जे काठ पलंक रे ए काठ शब्दटी आमर वस्तुवाचक बा द्रव्यवाचक विशेष्य किंतु पलंकटी होचु जातिवाचक अंतर्भुक्त। एटा हबो जातिवाचक, एटा हबो द्रव्य बा वस्तुवाचक।
द्रव्य बा वस्तुवाचक जीव से भाई आम नवा सुना मुदी धर ना जे सुना मुदी आम देखा यही सुना शब्दटी यहाँ हम आम वस्तुवाचक आ मुदी शब्दी जातिवाचक अंतर्भुक्त हम कारण ए मुदी जदि आम टे भांगिकी नवा कई मुदी कहना तेणु तार अति क्षुद्र अंश को जड़े सुना बोली कह रूपा बोली कह तेणु से जो शब्दी भांगिदेलापर ता शब्दर मूल शब्द आसुना अलग शब्द हो जाऊ तेज से जातिवाचक हो रख मटी मूर्ति धारा आम ना मटी मूर्ति माटी मूर्ति नेले माटी मूर्ति रे ए माटी को तुम्हें जिते भाग करो से टिके माटी ही ता नाम ता आसीबो किंतु मूर्ति को भाग कर देला परे ताकु भांगी देला परे ताकु केही मूर्ति कहिबे नाही से ताकु माटी बोली कहिबे सेही भली आहुरे अनेक उदाहरण तुम्हें नहीं पारिबो माने लुहा कपाट भी हो पारिबो रूपा पाउजी भी हो पारिबो एही भली अनेक हबो तेबे आमर गोटिए कथा को लक्ष्य रखिबा जे वस्तुवाचक आउ जातिवाचक ता भितरे पार्थक्य को जदि भल भाव तुम उपलब्धि कर बुझीपार तेब तुमको चिन्हबारे किसी भी असुविधा सृष्टि करना अर्थात आउ थे पुणी मु पुनरावृत्ति करी कथाटी कहूँ ताकू टे भल भाव लक्ष्य दियो जे देखिबा जदि कौनसी एक जिनिषरु तार गोटे क्षुद्र अंश आम भांगी नहीं अन्य जन को देखा देखला परे जदि तार मूल नाम को सी कह तेबे सेटा हम द्रव्यवाचक संज्ञा बा वस्तुवाचक विशेष जदि जो वस्तुटा को आम देखिले तार मूल नाटा को परिवर्तन हो जाऊँ जमी कहली तुमको कबाट कबाट भांगी नेला परे के कबाट कहना तेबे सेते बेलकु सेटा हे जीव जातिवाचक एई हैला जातिवाचक आ वस्तुवाचक भितर टिके डिफरेंस रोचु ताकु टिके भल भाव उपलब्धि करियो ते वर्तमान आम आउ गोटे देखा जेटा कि हूँ माने गुणवाचक विशेष बा भाववाचक संज्ञा गुणवाचक विशेष बा भाववाचक संज्ञा आम आगे देखा जे क्या कहवा जे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसे भाव दशा अवस्था धर्म गुण या क्रिया व्यापार का बोध होता है अर्थात ओडिया रे कहिबा को गले जे नामरू भाव अवस्था धर्म गुण बा क्रिया व्यापार को बुझा जाए ताहाकू गुणवाचक विशेष बोली कहती उदाहरण नेले आमे नै पारिबा यथा क्रोध सौंदर्य प्रेम दुख सुख घृणा यही सब गुड़ाक आसीपर तेबे भाववाचक संज्ञा विभिन्न संज्ञार साहाज्यरे ही हे था अर्थात संज्ञारु ही भाववाचक संज्ञा हे पारे विशेषणरु ही हे परिबो सर्वनामरु हे परिबो क्रियारु हे परिबो अवयरु मध्य हे परिबो तेबे किपरी होउछि मु जदि गोटिए गोटिए करी लेखिकी देखेबी तेबे वीडियो बहुत बड़ हेजिबो मु धीरे धीरे गोटिए गोटिए शब्द कहउछि एवं ताकु तमे नोट करि पारिबो धरा जाउ संज्ञारु किपरी होउछु लड़का एई लड़का शब्दटी हैला जातिवाचक संज्ञा से लड़का शब्दरु लड़कपन हुए मनुष्य एटा हला जातिवाचक संज्ञा मनुष्य शब्दरु ही मनुष्यता हुए साधु जातिवाचक किंतु साधुता होचु भाववाचक संज्ञा तेबे लड़कपन मनुष्यता साधुता ए गुड़िक भाववाचक संज्ञा अंतर्भुक्त होवचे कारण ए गुड़िक गोटे गुण को ही बुझा पड़ सही विशेषण रु मध्य आमे भाववाचक संज्ञा पाइपरिया धरा जाऊ खटा खटा हला विशेषण गुणवाचक विशेषण खटा आंब ये कहले आंबर तार गोटे गुण को बुझा पड़ु
तेबे सेथिरु ही भाववाचक संज्ञा सृष्टि हे पारे किपरि हुए ना खट्टा रु खटास हबो सुंदर सुंदर फूल एडी सुंदर शब्दटी फूल रहौछु विशेषण बा एडजेक्टिव तेबे से सुंदर रु ही भाववाचक हुए सेटा हला सुंदरता बा सौंदर्य अच्छा लड़का एटी लड़का पूर्वर अच्छा लगी अच्छाटा है गुणवाचक विशेष ए विशेषण तेबे वर्तमान आमे से अच्छा रु ही अच्छा ही हबो से भली गरीब रु गरीबी हुए कालारु कालापन हुए सफेद रु सफेदी हबो बुढ़ा रु बुढ़ापा हो एई गुड़िक विशेषण रु ही है था से भली सर्वनाम रु मध्य हुए सर्वनाम रु भाववाचक संज्ञार सृष्टि हो पारे केतेक शब्द मुझे ताको तुम नोट करो जे मम रु ममता बा ममत्व भी हुए अहं रु अहंकार हाँ आप रु आपा अपना अपनापन निज रु निजत्व एगुड़िक सर्वनाम रु ही भाववाचक संज्ञा ही था सेपरि क्रियारु मध्य भाववाचक संज्ञा हो पारे किभली धरा जाऊ मारना मारनारु मार पढ़नारु पढ़ाई लिखनारु लिखावट चिलानारु चिल्लाहट बचानारु बचा क्रूरु कार्य यही सब आमर क्रियारु मध्य हो था अपय पदरु मध्य भाववाचक संज्ञार सृष्टि हो पारे जे भली कि दूररु दूरी निकट ए निकट शब्दटा होचो अपय पद तार सेथिरु होचो निकटता हला अधीनरु अधीनता इमिति होचो साबास रु साबासी ए सब होई परु आ व्यतीत आमे आहुरी देखिबा तर टहल टहलना रोना पढ़ना आदि क्रियार्थक संज्ञा भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है तो जैसे धर सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ये टहलना टहलनाटा भाववाचक संज्ञा है जाए हर समय रोने से काम नहीं चलेगा तेबे ये रोने एटा भी भाववाचक हो तेबे एति के आमको गोटे कथा को आमको नजर को रखा पड़ो जे भाववाचक संज्ञाटी जे जते बेले होचु तार कौनसी एक अवस्था हो बा गुण हो बा धर्म हो बा क्रिया हो को से बुझा पड़ुछि तेबे ए तो भाववाचक संज्ञा संपर्क रे आमे कहिले वर्तमान आउ आम वीडियो आपन को किपरि लागिला जा हो आपन धैर्य धरी बहुत समय आमर वीडियो को देखिथिबारु आपन को अशेष धन्यवाद जदि आम वीडियो आपनको भल लागुथाय तबे आपण आमको सब्सक्राइब करिवे सब्सक्राइब करके आमको एनकरेज कले आमे आ परवर्ती जतिके संभव हम विभिन्न ग्रामार संपर्क रे आमे तुलनात्मक हिंदी ओडिया रो तुलनात्मक ग्रामार आपण मानको पाकु पहुंचे पाकु चेष्टा करिवु आज पई एतिकी नमस्कार।